आप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सुजीत सिंह प्रधान प्रतिनिधि द्वारा कोरोना महामारी पर अच्छी पहल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मनियर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बड़सरी जागीर गांव के सुजीत सिंह प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि कोरोना महामारी पर गांव में अच्छी पहल कर रहे हैं। गांव में राशन सामग्री वितरण कर रहे हैं, मास्क साबुन व दवा छिड़काव कर रहे हैं। जी सिंह प्रधान प्रतिनिधि बड़सरी जागीर जी कितने लमसम 5,000 आबादी है। डेली कमाने खाने में कितने लोग होंगे? 100-150 आदमी। बाहर से कितने लोग आए हैं आपके यहाँ? बाहर से लोग आए हैं 100-150 तक लगाए हैं। उनकी जांच प्रक्रिया? जांच प्रक्रिया तो वो लोग बाहर से ही जांच करा के लोग आए, और यहाँ भी 14 दिन स्कूल में रखा गया कुछ लोगों और कुछ लोग होम क्वारंटाइन किया कराया गया। जी हम आप ही जानना चाहते हैं, पहला लॉकडाउन गरीबी में था, उसके बाद बढ़ते गया है, लॉकडाउन में उनकी स्थिति क्या रही विधानसभा में? लॉकडाउन मान लीजिए, उन लोगों के भोजन की व्यवस्था जो है कोटे से कराया गया, राशन कार्ड दिलाया गया, कुछ लोगों को जो है मैं जिसका कार्ड नहीं था उसको मैं अपने पास से सहयोग किया, दिलवाया उसको राशन। जी सरकार का ये निर्देश था, ग्राम प्रधान अपने विधानसभा में सैनिटाइजर हो चाहे मास्क हो चाहे दवा छिड़काव की व्यवस्था करेंगे और घर घर डोर टू डोर घूमेंगे, घूमेंगे लोगों को समझाएंगे। तो क्या इस तरह मैंने तो निगरानी समिति बनाई थी और सारे हम लोग गाँव में घूम गए, लोगों को समझाए, और उसके बाद से कम से कम 1,000 जो है 1,000 आदमी को कम से कम, गरीब मजदूर हो चाहे गरीब आदमी हो, 1,000 जो है मास्क में वितरण लोग किए। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी ग्राम सभा में सरकार के निधि से जो खर्च किए होंगे आपने निधि जो अपनी कमाई हुई पूंजी से क्या आपने सहयोग किया है? हाँ मैंने सहयोग किया है, मैंने बहुत लोग के पास जो है पैसा भी मैं दिया हूँ, 2,500 रुपये करके मैं दिया हूँ साग सब्जी के लिए, और उसके बाद से राशन भी मैं अपने पास से जोड़ी हुई दिए हैं। ये हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, विशेष छूट मिली है, अगर भविष्य में परिस्थितियाँ कोई गंभीर होती है तो क्या आपकी पॉलिसी रहेगी ग्राम सभा के लिए? हम तो हमेशा रहेंगे, प्रधान रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी, हम तो हमेशा सेवा करते ही रहेंगे। हमारे गांव के मैटर है, गांव के हमारे लोग गरीब है, लोग हैं उनको तो हमको करना ही करना है। जी जी था कुछ ऐसे तत्व होते आप ग्राम सभा के, उन्होंने ये कहा ग्राम सभा की स्थिति ठीक नहीं है, भुखमरी की दयनीय स्थिति है। इसी तरह कई फरुखाबाद जिले के कोई गांव है, वहाँ एक व्यक्ति से जरा भुखमरी से दम तोड़ दिया हमारे, और वो वहाँ का व्यक्ति बलिया आते हुए रोडवेज बस पर दम तोड़ दिया, जिस पर कई लोगों पर कार्रवाई हुई, पर तो क्या इसके नौबत है नहीं है? हमारे गांव में किसी व्यक्ति का भुखमरी है ये नहीं है, समझ लीजिए। हमारे यहाँ जो है ठीक है, लोग गरीब है, मजदूरी काम करते हैं, लेकिन गरीब यही नहीं है कि भुखमरी से मरने वाली स्थिति हमारे गांव में नहीं है। सरकार का निर्देश था अगर किसी भी ग्राम सभा में अगर भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है, ग्राम प्रधान के पास क्षमता नहीं है, तो हमने डीएम तहसीलदार या किसी भी उच्च अधिकारी को अवगत कराएगा तो राशन सामग्री उनको पहुँचा दे सकती है। हमारे यहाँ जो भी मान लीजिए जो भी परिस्थिति आएगी, पहले उसको निपटने के लिए मैं खुद ही तैयार हूँ, अपने स्तर से करूँगा, एटीएम से करूँगा, डीएम से करूँगा, लेकिन हमारे अपने गांव में कोई भुखमरी होने नहीं दूंगा मैं। जी हम आपसे जानना चाहते हैं, इस पूरी महामारी में जो पूरा विश्व एक हुआ है, दुनिया एक होकर चल रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो चाहे कहीं, वहीं पंचायत के नाम होंगे देखते हुए देखा जा रहा है, कई जगह तमाम तरह की शिकायतें आने शुरू हो गई इस महामारी में भी, इसका क्या कहना चाहते हैं? मैंने ग्राम पंचायत में शिकायत की लिए, तो ग्राम पंचायत में शिकायत किया है, जैसे ग्राम पंचायतों के चुनाव है, जैसे आपके कई ग्राम पंचायतों में चाहे आप ले लीजिए, ये कहा गया प्रधान जी द्वारा कोई पहल नहीं की जाती है। अब लोग क्या करते हैं, मैं लोग से लेना देना हमको नहीं है, मैं अपने गांव को देखता हूँ, आप हमारे यहाँ जो है पहल सरकार देगी तो भी ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है, मैं अपने से जितना क्षमता होगा उतना मैं गांव का सेवा करूंगा। जी करते रहेंगे। ये दो सवाल हम ये करना चाहते थे, क्या इस महामारी में राजनीति करना सही है? इसमें कोई राजनीति नहीं करना है, ये तो पहले हमको कोरोना से लड़ना है पहले। जो लोग राजनीति करें उनके लिए क्या करना चाहते हैं? जिसको राजनीति करना है करे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम राजनीति नहीं करेंगे और ना हमको राजनीति करना है। हमको जो है अभी कोरोना में कोई जब चुनाव आएगा तो राजनीति किया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा, इस समय कोई नहीं, इस समय हमारे गांव के जितने लोग हैं, हमारे जो है वो परिवार के लोग, मैं उनको मानता हूँ,
उनके लिए मैं जो मर मिटने के लिए मैं तैयार हूँ। साबुन की वितरण की गई है? हाँ, साबुन वितरण किए हैं और जो मास्क का वितरण किए हैं और गांव में दवा छिड़काव की मैं कराया गया हूँ। जी जी, मतलब कहने का तात्पर्य है तो अपने ग्राम सभा को भला के लिए हर स्तर से तत्पर हैं। जी, हम तो हर स्तर से तत्पर हैं, पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ना हटे हैं ना हटेंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।